नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके चैनल एड वैल्यू टू लाइव्स में। आज हम बात कर रहे हैं इस बुक की धीरूभाईजम, जिसमें एजी कृष्णमूर्ति साहब ने सफलता के 15 गुरु मंत्र दिए हैं। कृष्णमूर्ति साहब एक अपनी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी चलाते हैं जिसका नाम है मुद्रा कम्युनिकेशन, और जिन्होंने जब अपना काम शुरू किया था तो धीरू भाई के साथ में लगभग काम शुरू किया था खुद का, और इन्होंने काफी नजदीक से करीब से धीरू भाई के साथ काम किया, और धीरू भाई की जो मैनेजमेंट स्टाइल थी, जो लीडरशिप स्टाइल थी, उसको काफी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करा, और काफी सारे ऑब्जर्वेशंस में से उन्होंने ये 15 सफलता के गुरु मंत्र इस बुक में, धीरू भाईजम में पिरोए हैं, इस बुक में लिखे हुए। और धीरू भाई हम सब जानते हैं कि इंडिया के, भारत के एक बहुत बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे, जिन्होंने काफी कारण जीरो से शुरू करा काम, और आज इंडिया के सबसे रिचेस्ट फैमिली है, या जो रिलायंस कंपनी है वो सबसे रिचेस्ट प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है। अब ये बुक जो है, ये एक 96 पेज की बुक है, बहुत छोटी सी बुक है, और संक्षिप्त में टू द पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से एजी कृष्णमूर्ति साहब ने इस बुक को लिखा है, और ये बुक लिखी थी लगभग आज से 10-11 साल पहले। तब से लेके अब तक ये काफी बहुत से बिजनेस माइंड रखने वाले या बिजनेस में जो आगे बढ़ने की सोच रखते हैं उनके लिए ये एक प्रेरणा स्रोत बुक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं धीरू भाईजम का जो पहला मंत्र है उसके तरफ। अब कृष्णमूर्ति साहब कहते हैं कि धीरू भाई ये मानते थे कि आप अपना स्लीव को रोल अप करो और आगे बढ़ जाओ अपने टीम को हेल्प करने के लिए। इसका मतलब ये था कि अगर टीम काम कर रही है और कोई चैलेंज आता है या कोई डिफिकल्टी आती है, तो धीरू भाई को ये नहीं था कि भाई अपने जो एम्प्लॉईज हैं उनको कहे भाई आप ऐसे करो या वैसे करो। धीरू भाई खुद जुट जाते थे उनके साथ में कि भाई हम चलो मिल करके इस प्रॉब्लम को, इस चैलेंज को साथ में फेस करते हैं और साथ में ओवरकम करते। धीरू भाई को एक अलग मजा आता था चैलेंजेस को फेस करना, खास करके टीम के साथ में चैलेंजेस को फेस करना। तो होता यह था कि इसका इंप्रेशन टीम पे यह पड़ता था कि टीम को भी यह लगता था कि हमारा जो ओनर है, हमारा जो बॉस है, हमारा जो लीडर है, वो हमारे साथ में काम कर रहा है। तो एक अलग एक चैलेंज, एक ऊर्जा आती थी प्रॉब्लम्स को या चैलेंज को सॉल्व करके आगे बढ़ने में। अब हम बढ़ते हैं दूसरे गुरु मंत्र पे, जिसका कहना यह है कृष्णमूर्ति साहब का, बी अ सेफ्टी नेट फॉर योर टीम। आप अपनी टीम के लिए एक सेफ्टी नेट बनकर के चलो, एक बैकअप, एक बैकबोन बनकर के चलो। धीरू भाई का यह था कि जितना वो ज्यादा सपोर्ट करेंगे टीम को या एक एक माइंडसेट देंगे, तो टीम उतनी ही मजबूत बनेगी कि टीम को ये रहेगा कि भाई हमारे साथ में हमारा ओनर है, हमारा बॉस है, जो एज अ बैकबोन, जो एज अ सपोर्ट हमारे साथ में खड़ा है, और वो कॉन्फिडेंस अपने एम्प्लॉईज में, एक अपने अपने जो जॉब करते थे उनके साथ में टीम मेंबर थे उनमें एक अलग एनर्जी प्रोड्यूस कर देता था, एक अलग एक ताकत प्रोड्यूस करता था। तीसरा, बी अ साइलेंट बेनिफिक्टर। अब ये गीता का एक उद्देश्य, गीता का जो एक पार्ट है वो धीरू भाई हमेशा इंप्लीमेंट करते थे। वो जब कभी किसी की हेल्प करते थे, एम्प्लॉई हो, आसपास में जो व्यक्ति होते थे, वो कभी उस हेल्प का एक एहसास नहीं होने देते थे, एक उस पे एक जताते नहीं थे कि भाई मैंने तेरे को हेल्प करा, या दुनिया को नहीं बताते कि मैंने एक्स या वाई या जेड पर्सन को हेल्प करा। वो हमेशा हेल्प करने के बाद उसको अपने पेट में रख देते थे, कहीं जिक्र करने नहीं आने देते थे। रूल नंबर चौथा, ये उनका एक बहुत ही फेवरेट था कि ड्रीम बिग बट ड्रीम विद योर आईज ओपन। अब धीरू भाई का ये मानना था कि इंडिया में बहुत पोटेंशियल है और लोगों को सपने देखने चाहिए और सपने भी बड़े देखने चाहिए, और उसके ऊपर जो पराकाष्ठा है वो ये था कि वो सपने अपनी आंखें खुली रख करके देखें। मतलब उनका जो इमेजिनेशन है बंदों का या जो व्यक्तियों का वो बढ़े, कभी वो कोई भी प्रश्न आए, चैलेंज आए, तो वो ना करके ना बैठ जाए कि ये मुझसे नहीं होगा, नहीं, वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और उस चैलेंज को
पार करने की हिम्मत रखें, पार करने का जो एक एक सक्षमता है वो अपने आप में रखें। ना ना सुनने के आदि नहीं थे धीरू भाई, वो कहते थे अगर कोई चैलेंज आई उसका स्वीकार करो, उसको जानो, उसको सीखो और उसको ओवरकम करो, उससे आगे बढ़ने की एक मेहनत करो और उस चैलेंज को आप पार करो। पांचवा जो गुरु मंत्र है वो ये था, उनका एक स्टाइल था द आर्म अराउंड द शोल्डर लीडर, मतलब हर व्यक्ति को धीरू भाई में एक अपना दोस्त, अपना एक सपोर्ट सिस्टम नजर आता था। वो कभी भी ऐसा नहीं जताते कि मैं सेठ हूं कंपनी का या मैं आप मेरे यहाँ नौकर हो, ऐसे नहीं। अगर कोई व्यक्ति को कुछ इश्यू हो या प्रॉब्लम हो वो धीरू भाई के पास जा करके अपनी बात रख सकता था, या धीरू भाई को अगर ऐसा फील हुआ या कहीं ऐसा लगा तो धीरू भाई उस व्यक्ति तक जाते, वो अपने एम्प्लॉई तक जाते, उसके कंधे पे हाथ रखते और कहते भाई क्या है, क्या इश्यू है बताओ, क्या मैं कुछ आपको हेल्प कर सकता हूं या हम साथ में मिलकर के कोई रास्ता निकाल सकते हैं। तो आप सोचो कि उस एम्प्लॉई की, उस टीम लीडर की या टीम मेंबर की हिम्मत कितनी बढ़ जाती कि भाई मेरा ओनर वो कोई एक एटीट्यूड नहीं रख रहा है, एक गैप नहीं रख रहा है, वो मेरे तक आ रहा है, मुझ तक आ रहा है और मेरे कंधे पे हाथ रख करके एक दोस्त के तरीके से बात कर रहा है कि भाई तुझे कोई अगर दिक्कत हो, कोई चैलेंज हो तो मैं तुझे हेल्प कर देता हूं, कोई तू शर्मा मत, तू सोच मत, संकोच मत कर, क्योंकि तू ये प्रॉब्लम के साथ ज्यादा देर खड़ा रहेगा तो समय बीता जाएगा, हम साथ में मिलकर के आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हमें साथ में मिलकर के आगे बढ़ना है। तो ये लीडरशिप की एक, ये एक दोस्ती की एक बहुत ही उम्दा, एक बहुत ही डीपर क्वालिटी धीरू भाई में थी। फिर धीरू भाई का बिजनेस में ये मानना था जो गुरु मंत्र नंबर 6 है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। अब धीरू भाई का ये मानना था कि मैं गुड्स को या सर्विसेज को प्रोड्यूस करूं और उसको मैं मार्केट में ऑफलोड करूं, मार्केट में शेयर करूं, मार्केट में मैं डालूं और जितनी मैं सप्लाई करूंगा वैसे वो डिमांड क्रिएट करेगा, क्योंकि अभी तक वो प्रोडक्ट था नहीं, लोगों को पता नहीं था कि इस तरीके का कोई प्रोडक्ट हो सकता या है। जैसे जैसे लोग उसको यूज करना शुरू करेंगे उनको समझ आएगी कि ये प्रोडक्ट मार्केट में क्यों आया गया है। और धीरू भाई का जो विजन था कि मास प्रोड्यूस करके वो मार्केट में ऑफलोड करते थे, लोगों तक वो प्रोडक्ट्स पहुंचाते थे, लोगों को वो यूज करने का आदि बनाते थे और लोगों को अपने लाइफ में एक अपग्रेड मिलता, एक बेटरमेंट मिलता उस प्रोडक्ट से। ये धीरू भाई का एक गुरु मंत्र खुद का था एकदम बिजनेस टर्म्स में से। ठीक है, अब हम चलते हैं गुरु मंत्र नंबर 7 पे। अब धीरू भाई कहते हैं कि मनी इज नॉट द प्रोडक्ट बाय इटसेल्फ, इट इज अ बाय प्रोडक्ट, सो डोंट चेज इट। धीरू भाई का कहना था कि जो पैसा है ये एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक एंड नहीं है, ये एक बाय प्रोडक्ट है। पैसे के पीछे मत भागो, आप अपनी कैपेबिलिटीज पे, आप अपने आप में विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ा के आप अपनी मेहनत पे फोकस करो, आप अपने एक जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक जो खुशी मिलती है काम करने की, प्रोडक्ट बनाने की, टीम को लीड करने की, मार्केट में प्रोडक्ट देने की, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन के जो अनुभव है वो लेने की, इन सब चीजों पे आप मेहनत करो, आप अपने आप को ग्रो करो, आप अपने आप को इम्प्रूव करो। जब आप ये सब करोगे, इसके ऊपर फोकस करोगे, ऑटोमेटिकली जो आपका रिजल्ट आएगा वो बेटर आएगा, और जब रिजल्ट बेटर आता है, आपके प्रोडक्ट्स बेटर बनते हैं तो लोगों से उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, लोगों की एक्सेप्टेंस बढ़ती है और लोग आपके प्रोडक्ट्स, आपकी सर्विसेज और आपको बाय करते हैं, और जब लोग बाय करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपको उसके बदले में पैसा देते हैं। सो डोंट चेज द मनी, चेज योर own self, chase your own improvement, chase your own outputs, chase your own hard work improvement. Dhirubhaiism number 8 या गुरु मंत्र number 8, leave the professional alone. अब धीरूभाई क्या करते थे कि जो अपने employees होते थे उसमें हमेशा वो professionals कोशिश करते थे कि उनको best professional मिले और फिर वो professional को अपने तरीके से काम करने देते थे। धीरू भाई एक विजन दे देते थे, एक आइडिया दे देते थे और प्रोफेशनल को कहते थे कि अब जो तुमने प्रोफेशनल एजुकेशन लिया है, जो तुमने प्रोफेशनल एक डिग्री या क्वालिफिकेशन अचीव किया है, उस क्वालिफिकेशन को, उस डिग्री को, उस प्रोफेशनल एजुकेशन को मेरे विजन के साथ जोड़ो और अपनी काबिलियत को काम में लगाओ और एक बढ़िया सा आउटपुट दो कंपनी को, टीम को और लोगों को। धीरू भाई उनकी डे टू डे चीजों में दखल अंदाजी नहीं करते थे,
कि भाई अच्छा तूने ये किया, ये टाइम से तू लेट हो गया, ये ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया, इस तरीके से जो चिकझिक होती है, जो झिकझिक होती है, वो धीरू भाई नहीं करते थे। वो उनका काम था प्रोफेशनल को हायर करना और अपना विजन देना, और फिर उस प्रोफेशनल को छोड़ देते थे भैया तू काम कर, मैंने मेरा काम कर लिया, अब तू काम कर और आगे बढ़, मुझे ये रिजल्ट इस तरीके से चाहिए, मुझे ये विजन, मुझे ये सपना, मेरा ये इस तरीके से मुझे दिखता। और ये सारी जो मेहनत थी, विजन का कह लो, प्रोफेशनल्स का कह लो, टीम लीडरशिप का कह लो, या टीम के साथ में काम करने का कह लो, ये ऊर्जा, ये जो शक्ति है, वो उनको ये था कि भारत में ये सारी शक्तियां हैं और ये सारी शक्तियों को मिलाने का काम मेरा है, और वो काम करते गए, आगे बढ़ते गए। अब हम बढ़ते हैं गुरु मंत्र नंबर 9 पे। ये कहते हैं चेंज योर ऑर्बिट कॉन्स्टेंटली। अब ऑर्बिट थ्योरी मतलब ये होता था कि हमारा जो जन्म हुआ है, या हम जो काम कर रहे हैं, हम जो आगे बढ़ रहे हैं, तो एक पद्धति पे, एक तरीके से, या एक ही रीड या एक रिजिड तरीके से हम ना करें, हम आगे बढ़ते रहें, हम ग्रोथ करते रहें। और हम जैसे ग्रोथ करें तो जो पिछला जो एक छोटा सा जो हमने अचीवमेंट करा है, जो छोटा तरीका है, उसी पे हम चिपक के या उसी से सीमित ना रहें, हम आगे बढ़ें, हम ज्योग्राफिकली आगे बढ़ें, हम प्रोडक्ट वाइज आगे बढ़ें, हम अपनी लर्निंग वाइज आगे बढ़ें और हम ग्रोथ ले आए लाइफ में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं गुरु मंत्र नंबर 10 पे। ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिव सोचधारा या पॉजिटिव विचारधारा अपनी बना के चलो। धीरू भाई का ये था कि हम अपने आप को रोके नहीं, हम पॉजिटिव लेके चले, हम जहां पे हैं उससे हम आगे बढ़ने का जो एक दिशा है, आगे बढ़ने की एक सोच है, उसको हम लेके चले। अब हुआ ये था कि 1977 में कहीं धीरू भाई को पैसे चाहिए थे, तो बैंक ने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो धीरू भाई रुके नहीं, धीरू भाई ने कहा नहीं मैं आगे बढ़ूंगा, बैंक ने नहीं दिया कोई बात नहीं, मैं जनता के पास जाता हूं और जनता से पैसे लेता हूं और उनको मेरे बिजनेस में, हमारे बिजनेस में इक्वल पार्टनर बनाता हूं उनके शेयर्स के वैल्यू पे। तो उन्होंने पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोली और कंपनी में शेयर्स जो है वो इशू करे पब्लिक को, और पब्लिक ने बहुत हृदय से उनका स्वागत किया इस अपॉर्चुनिटी का, और बहुत पैसे कम लगाए लोगों ने और धीरू भाई को पैसे दिए। अब धीरू भाई का वहां पे एक मंत्र था कि जो फायदा अगर हुआ कंपनी में तो वो फायदा हम सब शेयर करेंगे, पर अगर नुकसान हुआ तो वो मेरा होगा। तो उन्होंने वो ओनरशिप का जो एक एसेंस था, ओनरशिप की एक जो एक फील थी, वो पब्लिक के सामने रखी और पब्लिक ने उस कॉन्फिडेंस पे, उस सोच पे अपना भरोसा जताया और पैसे शेयर करे, और वहां से कंपनी का एक आगे बढ़ने का या एकदम ग्रो करने का काम बहुत अच्छी तरीके से शुरू हुआ। अब हम चलते हैं गुरु मंत्र नंबर 11 पे। धीरू भाई का ये मानना था कि हर व्यक्ति में एक मित्रता का एक एलिमेंट होता है, एक मित्रता का एंगल होता है, और वो आप ढूंढ सकते हो, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां पे दो बातें हैं कि एक, वो व्यक्तियों के साथ में एक खुलक रखते थे और व्यक्तियों के साथ में एक सीधी बात करते थे, जिसमें जो सामने व्यक्ति होता था उसको भी एक लगता था कि नहीं, ये व्यक्ति से बात करने में मेरा नुकसान नहीं है, मेरा कहीं ना कहीं फायदा है, तो क्यों ना मैं इस व्यक्ति के साथ में एक एसोसिएशन, एक मित्रता बनाऊं। तो ये काम था धीरू भाई का आगे बढ़ने का एक 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 गुरु मंत्र। अब हम चलते हैं गुरु मंत्र नंबर 12 पे। धीरू भाई कहते थे कि आप सोचो और बढ़ा सोचो, ना सिर्फ सोचो बट आप सोचो और बढ़ा सोचो, क्योंकि बढ़ा सोचने में और सोचने में किसी की कोई पाबंदी नहीं है, किसी का कोई एक मोनोपोली नहीं है कि आप नहीं सोच सकते हो। ये आप पे निर्भर करता है, आपकी विचारधारा पे निर्भर करता है, आपके विचारने की क्षमता पे निर्भर करता है कि आप कितना सोचते हो खुद के लिए पहले, और उसके बाद सोचते हो आसपास के लोगों के लिए। तो ये सिर्फ 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 आपकी एक एक लिमिटेशन ना होते हुए एक आपकी कैपेबिलिटी हो सकती है, ये आपकी एक शक्ति हो सकती है कि आप कितना सोच सकते हो, कितना बड़ा सोच सकते हो और कितना रेगुलरली सोच सकते हो। अब हम चलते हैं गुरु मंत्र नंबर 13 पे। धीरू भाई कहते हैं कि जैसे उन्होंने पहला कहा कि आप सपना देखें, बड़े सपने देखें और अपने सपनों को पकड़ के रखें, छोड़े नहीं, पकड़ के रखें और उन सपनों पे आप काम
करते रहें, निरंतर काम करते रहें, समय लगेगा, हताशा होगी, पर आपको निराश नहीं होना है। आपको अपने सपने, अपनी जो सोच है उसके ऊपर कायम रहना है, उसको उसके ऊपर आपने काम करना है, उस पे आपने हारना नहीं है, आपने आगे बढ़ना है। थोड़ा और समय लगेगा, थोड़ा लोगों की जो सोच है वो आपकी सोच से मिलने के लिए थोड़ा समय लगेगा, पर एक बार जब वो सोच मिल गई, वो सपने जो आपके हैं वो लोगों ने समझ लिए कि भाई ये सपना, ये ड्रीम के ऊपर काम करना है, तो आपकी जो ताकत है वो बढ़ गई, आप नहीं आपकी टीम, मतलब वो मल्टीफोल्ड हो जाएगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं रूल नंबर 14 पे, बेट ऑन पीपल। लोग धीरूभाई जैसे हमने पहले देखा कि दोस्ती का हाथ बढ़ाना, लोगों पे भरोसा करना, एज अ टीम लीडर आपने एक सपोर्ट सिस्टम बनाना, तो लोगों के ऊपर या प्रोफेशनल को हायर करके उनको जिम्मेदारी एक दे देना कि भैया आप काम करो। तो धीरूभाई का ये काम था कि आप लोगों पे भरोसा करें, लोगों की कैपेबिलिटी पे भरोसा करें, लोगों की एबिलिटी पे भरोसा करें, और उनके उनको एक ओपन एक फील्ड दे दे, एक ग्राउंड दे दे कि भैया ये आपको इस पे काम करना है। तो लोगों पे जब आप भरोसा करोगे, लोगों को आप एक जिम्मेदारी दोगे, तब लोग अपने आप में एक अपने आप से आगे बढ़ेंगे। उनको भी एक ये लगेगा कि मुझे मुझे किसी ने चैलेंज दी है, मुझे आगे बढ़ना है, तो वो अपने आप को तराश के, अपने आप को निखार के वो आगे बढ़ेंगे। और जब लोग अपनी सक्षमता में आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली उसका जो रिजल्ट है, उसका जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा आएगा, वो काफी बेटर आएगा। अब हम चलते हैं लास्ट रूल पे, गुरु मंत्र पे, और वो है बी पॉजिटिव। धीरूभाई का ये था कि धीरूभाई ने उस समय पे अपनी जर्नी का काम शुरू कर दिया था जब इंडिया में, भारत में लाइसेंस राज होता था, बहुत रेड टेपिज्म होता था, बहुत करप्शन होता था, बहुत ब्यूरोक्रेसी होती थी। अब उस टाइम से आप सोचो कि धीरूभाई ने अकेले सिंगल हैंडेडली काम शुरू किया, और उन्होंने एक ही जो चाबी है जो उनके दिमाग में, भाई पॉजिटिव, मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे इस अड़चन से, इस चैलेंज से, इस रुकावट से, इस दिक्कत से मुझे आगे बढ़ना है, और उस गुरु मंत्र से कि भाई जहां पे भी दिक्कत आए मैं उस दिक्कत को फोड़ के, तोड़ के आगे निकलूंगा, अच्छी तरीके से, गलत तरीके से नहीं, अच्छी तरीके से। और वो इस गुरु मंत्र का भरपूर इन्होंने यूज किया हुआ है, एवरी डे, डे इन डे, डे आउट, हर दिन हर वक्त इस चीज को लेकर के वो आगे बढ़ते थे। उनको यही समझ में आता था कि मुझे आगे बढ़ना है। अब मित्रों, ये पांचवा रूल यहाँ पे खत्म होता है, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बुक जो है ये खरीदें, बुक बाय करें। अगेन, बुक को आप कहीं से भी बाय कर सकते हो, एक बुक स्टोर से बाय कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो। अगर किसी ने बुक को पढ़ के छोड़ दिया हो किसी और के लिए, तो अगर किसी रद्दी की दुकान में मिल गई हो या कहीं से भी मिल गई हो, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा आप इस बुक को बाय करें, पढ़ें, क्योंकि ये बुक आपकी एक लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट है। ये बुक आपको जब जब आप पढ़ोगे, इधर रेगुलरली या आप कहीं थोड़ा सा मॉरली या कहीं सोच में डाउन हुए हो, इस किताब को आप लें। इस किताब को सिर्फ आप फटाफट से ब्राउज भी करोगे, ये किताब आप में एक एनर्जी डाल देगी, एक ऊर्जा डाल देगी। इस बुक को खरीदने के लिए मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, आप उस लिंक से इस बुक को बाय कर सकते हैं। इससे हेल्प हो जाएगी मुझे भी, और मेरा जो उद्देश्य है कि मैं लोगों तक जो एक एक विचार या एक ऊर्जा जो है, सोचने का जो एक एक नेक्स्ट लेवल है, उसको मैं आगे ले जाऊं, और लाइक माइंडेड लोगों का एक सर्कल बनाऊं, एक नेटवर्क बनाऊं, और हम एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है इसको हम आगे बढ़ाएं। तो आप इस बुक को बाय करें, पढ़ें, और एक छोटी रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या डिसलाइक करें, कमेंट्स में आप लिखें कि आपको ये वीडियो क्यों पसंद आया, क्यों पसंद नहीं आया, मैं और क्या करूं जिससे मैं मेरी वीडियोस की क्वालिटी को इम्प्रूव करूं, और ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, और ये वीडियो, ये चैनल आप अपने सर्कल में, आप अपने नेटवर्क में शेयर करें, और इंस्पायर करें लोगों को, आप उनकी क्षमता में बढ़ाने में हेल्प करें, और हम एक बेटर आज और बेटर कल बनाएं, और अपने आसपास का जो माहौल है इसको हम और इम्प्रूव करें और बेटर करें।
और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। शुभ मंगल कामना, थैंक यू, धन्यवाद।